हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स की एक न्यू चैप्टर ग्रेडियंट डाइवर्ज कर्ल की। दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक है सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक न्यू बुक में जो आपकी नई किताब है उसमें आपको 8 चैप्टर पर है और जो पुरानी बुक्स है वो कहीं पर भी आपको ये टॉपिक दिया गया है, तो आपको उस बुक को ओपन करना है, उन चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो आज का ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, चूंकि ग्रेडियंट डाइवर्ज कर्ल का यह पहला वीडियो है जिसमें मैं बेसिक से एडवांस सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आप इन चीज़ों को सीख लेंगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन आप ग्रेडियंट डाइवर्ज कर्ल के लगा जाएंगे, ठीक है। तो ये चलते हैं, आपको डिटेल में बताते हैं। उसके पहले यहां पर ग्रेडियंट डाइवर्ज कर्ल से यहां पर पहले हम बात करेंगे ग्रेडियंट है। उससे पहले आपको बता दें कि आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 के साथ ही आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो अपलोड किए जा रहा है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता, आपको नई नोटिफिकेशन मिल रही, तो सिंपल सा मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, किसका दोस्तों, प्ले लिस्ट का, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के प्ले लिस्ट का लिंक दिया। लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियो, उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रेडियंट के इस टॉपिक की। चलिए देखिए दोस्तों, अगर हम ग्रेडियंट की बात करते हैं तो ग्रेडियंट को हिंदी में प्रवणता बोलते हैं। देखिए, इसको यहाँ पर डेल फाई से डिनोट करते हैं। डेल फाई क्या बोलते हैं? डेल फाई से इसको डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो आप स्क्रीन पर ये वैल्यू देख रहे हैं, ये आपका डेल फाई की ही वैल्यू है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, ये किसकी वैल्यू है? ये आपके डेल की वैल्यू है और फाई आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, यहाँ पर पुटअप करके सॉल्व करना है। अभी एग्जाम्पल के मद्देनजर मैं चीज़ों को समझाता हूँ, बेसिक से चीज़ों को समझिएगा, वीडियो छोड़कर नहीं जाइएगा। वैसे तो कहते हैं दोस्त, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वीडियो पूरा देखेंगे या नहीं देखेंगे, बट मैं कोशिश करूँगा आपको चीज़ों को समझाने की। चलिए, यहां पर डेल फाई आपको यहां पर दिया गया है, तो फाई की जो डेल की वैल्यू होती है वो उसे ही बोलते हैं दोस्त, आपके इसकी वैल्यू अर्थात आई डी वाई बाई डी एक्स प्लस जे डी वाई बाई डी वाई प्लस के डी डी जेड, ये आपकी वैल्यू दी रहती है, ठीक है। ये आपके डेल, आपको मतलब दिमाग में सेटअप करना है कि डेल की वैल्यू ये होती है और फाई आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो यहां पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो इसका कह सकते हैं आंसर आएगा वो आपके डेल फाई का होता है, वही आपका उस क्वेश्चन में ग्रेडियंट होता है। तो देखिए एक एग्जाम्पल दोस्त, हम क्वेश्चन यहां पर 1 जैसे यहां पर लेकर चलते हैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाने के लिए। जैसे कि आपको यहां पर फाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएगी, जैसे दिया गया है फाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपको दिया है। इसमें आपसे पूछा जाएगा आप बताइए ग्रेडियंट फाई या फिर आप डेल फाई की वैल्यू ज्ञात कीजिए, दोनों को आप किसी से डिनोट करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी डिनोट करिए, ठीक है। डेल फाई को आप थोड़ा लिखने में सही रहता है, तो आप डेल फाई से ऐसे डिनोट कर सकते हैं। डेल की वैल्यू मैंने आपको बताया, डेल की वैल्यू आपकी फिक्स होती है अर्थात आई डी वाई डी एक्स जे डी वाई डी वाई प्लस के डी वाई डी डी जेड, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आपकी होती है डेल की वैल्यू फिक्स होती है, आपको दिमाग में सेटअप कर लेना, इसमें कोई याद नहीं करना है दोस्त। आई जे के ऐसे आपको यहां पर थोड़ा सेटअप करना है, नीचे डी एक्स डी वाई डी जेड होता है, ठीक है। एक दो बार आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपको ग्रेडियंट की वैल्यू में आपको यहां पर डेल की वैल्यू यहां पर आपने लिख दिया और फाई जो है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा जो कि आपको यहां पर दिया है, ठीक है। तो जिस प्रकार से ये डेल फाई लिखा हुआ है बस आपको लिखना है, तो डेल की वैल्यू आपको ये पुटअप किया इनटू में फाई है और फाई की वैल्यू आपको ये दिया गया है, फाई की वैल्यू हमने इनटू में लिख दिया। आप देखिए जैसे ये आपका इनटू में है वैसे ये भी इनटू में, तो आपको सदैव कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो ग्रेडियंट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू आपकी डेल फाई होती है। डेल की वैल्यू कितनी होती है? डेल की वैल्यू फिक्स होती है, ये डेल की वैल्यू, फाई आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। अब इसको यहां पर आप पुटअप करेंगे, अभी आपको कर्ल और डाइवर्ज सारी चीजें मैं बताने वाला हूं, थोड़ा आप समझिएगा और सब्र रखिएगा, ठीक है। चलिए यहां पर आप अब जब आपने मल्टीप्लिकेशन किया तो आप बताइए अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन में अगर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इसको एक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आप एक से ही मल्टीप्लाई करेंगे? आप जब इस ब्रेकेट को तोड़ेंगे, ओपन करेंगे, तो सबका मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ठीक उसी प्रकार यहां पर भी आप इस ब्रेकेट से अंदर जाएंगे तो इस वैल्यू जो आप ये वैल्यू देख रहे हैं आई वाले से फंक्शन से भी करेंगे, जे से भी करेंगे और के से भी करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा यहां पर क्या करना है आपको, लिखना है आई और डी डी एक्स डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस वैल्यू को यहां पर करना है। उसके जस्ट बाद आपको प्लस लगाकर जे लिखना है और फिर डी बाई डी वाई में आपको इसकी वैल्यू को पुटअप करना है। इसके बाद आपको के डी बाई डी जेड लिखना है, इसके बाद आपको यहां पर इस वैल्यू को यहां पर पुटअप करना है और सॉल्व करना है। इस प्रकार से यहां पर आपको क्या करना है कि यहां पर आपको कुल मिलाकर आई जे के सभी में मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करके आंशिक अवकलन करना। एक चीज का ध्यान दीजिएगा यहां पर, ये जो आपको दिख रहा है डी बाई डी एक्स, ये आंशिक अवकलन है। क्या है? आंशिक का अवकलन। तो जब आपको ये भी पता है कि जब हम एक आंशिक अवकलन में अगर एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जो अगर एक्स का फंक्शन है तब तो इसकी वैल्यू आपकी आती है। अगर उसमें एक्स का फंक्शन नहीं है, जैसे वाई और जेड दिया है और इसमें एक्स का फंक्शन नहीं है, तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई और वाई तो है तो ठीक है, अगर अदर है तो आपका जीरो हो जाएगा। कुल मिलाकर यहां पर आंशिक अवकलन में अगर हम डी वाई बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं इसका, तो यहां पर ये और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्स का इसमें कोई फंक्शन नहीं है, एक्स की कोई इसमें वैल्यू नहीं है। तो इसका आपका यहां पर क्या होगा, आंशिक अवकलन इसका अगर आप करेंगे तो इसका आप करते हैं तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा यहां पर टू एक्स वाई। कैसे? y तो आपका आगे बाहर हो जाएगा और ये x स्क्वायर उसका 2x हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर 2xy हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर 2xy i आज कर जाएगा। ठीक है, वेक्टर i। इसी प्रकार आप इसको करेंगे तो यहां पर y के रेस्पेक्ट में करना है तो ये आपकी z स्क्वायर और x क्यूब ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों जीरो हो जाएगा। ये इसको करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका x स्क्वायर इसमें बचेगा, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपका x स्क्वायर इसमें कांस्टेंट होगा, तो x स्क्वायर आगे हो जाएगा, y की वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस y स्क्वायर का आपका क्या हो जाएगा 2y। तो इस प्रकार से इसका आया x स्क्वायर प्लस 2y। आंशिक अवकलन मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताया था, अगर आपको चीजों को नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया हूं, आप लिंक पर क्लिक करके पिछले सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए, आपको फिर k आपको निकालना है तो dy dz निकालना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहां पर x और y का जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिक आपका जीरो हो जाएगा। तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये जीरो हो जाएगा, बचेगा ओनली z स्क्वायर और z स्क्वायर का z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2z होगा। क्यों 2z होगा? क्योंकि आपको पता है दोस्त x के पावर n का आपका dy/dx जो होता है वो क्या होता है, nx के पावर n माइनस 1, यही तो होता है nx के पावर n माइनस 1। तो इसीलिए आपका z स्क्वायर का हो जाता है 2 × z 2 − 1, तो इसीलिए आ जाता है 2z। ठीक है, ये चीजें आपको पता है ऑलरेडी। तो आपको इसी प्रकार से i j k की सभी की वैल्यू पुट अप करना है और यही आपका एक कंप्लीट आंसर है, अर्थात ग्रेडिएंट फाई की वैल्यू या डेल फाई की वैल्यू आपकी आ गई। तो डेल की वैल्यू आपकी फिक्स रहेगी, डेल की वैल्यू आपकी फिक्स रहेगी, डेल की वैल्यू आपकी यहां पर दी गई है और फाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएगी। इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके करना है। ये तो ग्रेडियंट हुआ, तो ग्रेडियंट आपने क्या समझा कि ग्रेडियंट आपका इस प्रकार से आपको देता है डेल फाई, दिमाग में सेटअप कीजिए। अब चलेंगे हम आपको डाइवर्ज और कर्ल की तरफ। दोस्तों अब हम बात करेंगे यहां पर सदिश फलन का डाइवर्ज, अर्थात यहां पर सदिश फलन के डाइवर्ज की हम बात करते हैं तो यहां पर आपको दिया रहेगा डाइवर्ज एफ। आप ध्यान से देखिए, यहां पर डाइवर्ज एफ वेक्टर दिया है। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपका ये सदिश फलन का होता है, मतलब जो डाइवर्ज आप करते हैं वो सदिश फलन का करते हैं और जो यहां पर ग्रेडियंट करते हैं वो अदिश फलन का करते हैं। मैं एक बार दिखाना चाहूंगा, देखिए यहां पर आपको लिखा है कि अदिश बिंदु फलन का ग्रेडियंट, तो जो आपका ग्रेडियंट होता है वो अदिश बिंदु का ज्ञात करते हैं। इसमें देखिए फाई में कोई डेल नहीं, मतलब आपका एरो नहीं लगा, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई आपका डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन जो आपका कह सकते हैं कि डाइवर्ज आप निकालते हैं तो सदिश फलन का निकालते हैं। ठीक है, देखिए डाइवर्ज क्या कहता है दोस्तों, डाइवर्ज कहता है कि यदि फलन आपको यहां पर एफ कोई दिया गया है पॉइंट एक्स वाई जेड कोई सतत अवकलनीय सदिश फलन हो तो डेल ऑपरेटर या डेल सदिश फलन एफ के अदिश गुणन के अदिश गुणन डेल एफ के डाइवर्ज कहते हैं। अब सिंपल सा ये समझिए, देखिए डाइवर्ज और कर्ल में बहुत सा थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट ये है डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का। समझिए, अगर आपको डाइवर्ज डॉट लिखा है, डाइवर्ज एफ आपको इस प्रकार से लिखा है तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका डाइवर्ज एफ अगर आपको वहां पर लिखा है तो ये आपका हुआ क्या है, डाइवर्ज। ठीक है, डाइवर्ज आपका ये सिंपल सा, अगर मतलब कुल मिलाकर अगर आपको डेल डॉट एफ लिखा है, डेल डॉट एफ वेक्टर लिखा है तो ये आपका हुआ यहां पर डाइवर्ज। अगर यही पर आपको डेल क्रॉस लिख देता है तो हो जाता है कर्ल। इसका मतलब ये हुआ, अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर डॉट है अर्थात सदिश अदिश है तो आपका क्या होगा, यहां पर देखिए अदिश फलन का मतलब डेल एफ का जो आपका होता है वो आपका डाइवर्ज होता है और डेल क्रॉस का जो होता है वो आपका कर्ल होता है। तो मैं कर्ल को भी यहां पर दिखाना चाहूंगा, आप जैसा कर्ल यहां पर देख पाएंगे, देखिए यहां पर कर्ल एफ में डेल क्रॉस एफ है। ठीक है, और उसमें क्या था, उसमें डेल
क्रॉस नहीं था, उसमें आपका डेल था, एक मिनट में दिखाना चाहूंगा, आपका डेल था और आपका डॉट एफ था, ठीक है, किसमें डेल डॉट एफ था आपका डाइवर्ज में और इसमें क्रॉस होता है। तो आपको ये चीज क्लियर आपको समझ में आया कि आपका यहां पर जो कर्ल होता है, कर्ल में आपका ये सदिश गुणन होता है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट होता है और उसमें आपका डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और जो आपके डेल की वैल्यू होती है, डेल की वैल्यू दोनों में सेम होगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, क्योंकि डेल की वैल्यू हमने बता दिया आपका फिक्स होता है। डेल की वैल्यू जो आपकी फिक्स होगी आई डी वाई डी एक्स प्लस जे डी वाई डी वाई प्लस के डी वाई डी जेड, ये आपका फिक्स होता है और क्रॉस में आपको एफ करना है, अर्थात फलन में आपको वैल्यू दी जाएगी, उसी फलन की वैल्यू को पुट करके सॉल्व करना है। चलिए मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, तो चीजों को आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। तो आप इतना ही डिफरेंट यहां पर अभी समझिए कि जो आपका डाइवर्ज होता है, डाइवर्ज में आपका डेल डॉट एफ होता है, ठीक है, ये अदिश गुणन होता है, और जो आपका कह सकते हैं कर्ल होता है उसमें आपका क्या होता है, डेल क्रॉस एफ होता है, डेल क्रॉस एफ, और दोनों ही आपके यहां पर क्या होते हैं, फंक्शन आपके वेक्टर होते हैं, ठीक है, जो आपके वेक्टर होंगे फंक्शन। चलिए ये चीजें आपको आगे मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अब क्वेश्चन मैं लेकर चलता हूं जिससे चीजें आपको समझ में आए। अब देखिए दोस्तों, आपका जो कर्ल है वो आपका क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस में आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसमें क्या होगा कि आपको यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में सॉल्व करना होगा। देखिए वेक्टर जो क्वांटिटी होती है उसमें आपको कर्ल एफ की जब वैल्यू निकालनी होगी तो आई जे की आप ऐसे लिखेंगे एज अ सारणिक के फॉर्म में, आई जे की आपको लिखना है, और डी वाई डी जेड इस प्रकार से यहां पर लिखना है, फंक्शन एफ वन एफ टू एफ थ्री आपको यह दिया रहेगा, उसी का कर्ल एफ आप डायरेक्टली यहां से आप निकाल सकते हैं, अर्थात सारणिक के फॉर्म में इस प्रकार से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इस प्रकार से इसको सॉल्व करिए। मैं क्वेश्चन में अभी आपको बताऊंगा चीजों को जिससे आपको बेसिक से सारी चीजें आपको समझ में आई। तो इतना आप यहां पर समझ गए हैं कि कर्ल जो होता है वो आपका क्रॉस में होता है, डेल क्रॉस एफ, और जो आपका डाइवर्ज होता है, डाइवर्ज आपका क्या होता है, डेल डॉट एफ होता है, ये स्केलर होता है, ये आपका वेक्टर होता है, ठीक है। और दूसरी बात, आपको हमने ग्रेडियंट बता दिया, ग्रेडियंट में आपका सिंपल है, ग्रेडियंट में आपको कुछ नहीं करना, उसमें तो आपका डेल और आपका फाई होगा, डेल फाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने यहां पर आपके लिए पहला क्वेश्चन लिया है जो कि बीटीयूपी, आप देख सकते हैं 2004 में क्वेश्चन आ चुका है आपके बोर्ड के मद्देनजर। तो क्वेश्चन ये है, जैसे कि आपको ग्रेडियंट में समझाने की कोशिश करता हूं, ग्रेडियंट में आपको फंक्शन आपको ये दे दिया गया है, ठीक है, फंक्शन आपको दिया गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड एक्स जेड स्क्वायर, ये दिया गया और कहा गया आपसे बिंदु 1, -1, 2 अर्थात 1, -1, 2 पर आपको इस बिंदु पर ग्रेडियंट एफ की वैल्यू ज्ञात करना है। क्या लिखा है आपको, ग्रेडियंट एफ आपको फाई तब लिखा होता जब ये फाई के फॉर्म में फाई बराबर दिया होता, अगर यहां पर ये आपको दे दिया जाएगा, यहां पर दे दिया जाएगा टी इक्वल टू, तो ग्रेड टी की वैल्यू ज्ञात करना होगा, ठीक है, सिंपल सा ये आपको समझना है। तो आपको यहां पर एफ की वैल्यू दी गई, इसलिए आपको ग्रेडियंट एफ की वैल्यू पूछ रहा है। तो फंक्शन आपको एफ इक्वल टू जो दिया गया, सबसे पहले हमने क्या बताया, ग्रेड एफ की वैल्यू निकालने के लिए आप डेल एफ लिखते हैं, डेल एफ लिखते हैं, और डेल की वैल्यू फिक्स है, डेल की वैल्यू फिक्स है, उसको आप डायरेक्टली लिख देंगे आई डी बाई डी एक्स प्लस जे डी बाई डी जेड डी वाई प्लस के डी बाई डी जेड, इसकी वैल्यू आपने लिख दिया, और यहां पर एफ की जो वैल्यू है उसको आप पुटअप करेंगे। एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू है आपकी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड एक्स जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दिया, यहां पर प्लस और माइनस का लोचा चल रहा है दोस्त, ये यहां पर प्लस होगा कि माइनस होगा, चलिए इसको प्लस ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है, इसको प्लस ही मान लेते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं, हमको आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो अगर प्लस है, ये प्लस है आपका, ठीक है, तो यहां पर क्या है कि आपको हमने क्या बताया कि जब आप इस प्रकार से करते हैं तो आपको आई के वाले से मल्टीप्लाई करना होगा, जे से भी मल्टीप्लाई करना होगा, के से भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब यहां पर आप इस वैल्यू को आई वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, आई डी डी बाई डी एक्स और यहां पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स जेड स्क्वायर, सेम प्रोसेस आपको समझना है कि सभी के साथ जिस प्रकार से आई से करेंगे उसी प्रकार आपको जे से करना है, उसी प्रकार आपको के की वैल्यू से आपको करना है, ठीक है, चीजों को मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। पहले आपने क्या किया, आई के साथ, फिर आपने जे के साथ, फिर आपने के साथ, सभी को उसी प्रकार मल्टीप्लाई करना है, फिर आप सिंपल सा आंशिक अवकलन करते हैं, जैसे कि इसमें डी वाई डी एक्स है अर्थात एक्स के रेस्पेक्ट में इसका आंशिक अवकलन करेंगे, जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहां पर क्या होगा, ये आपका एक्स क्यूब हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और फिर यहां पर हमने बताया एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसमें एक्स का कोई फंक्शन नहीं, तो ये आपका जीरो हो जाएगा।
इसमें भी आपका, इसमें तो x का फंक्शन है इसलिए आपका यहां पर क्या होगा, देखिए इसकी वैल्यू आपकी क्या हो गई, जीरो हो गई। इसका आपका क्या होगा, इसमें आपका x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो z स्क्वायर आपका आगे हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है और x का आपका 1 हो जाएगा, अर्थात यहां पर z स्क्वायर आपका बचा। इसके बाद जस्ट आपका बात करेंगे j की, तो j में आप देखेंगे यहां पर y के रिस्पेक्ट में करना है तो y के रिस्पेक्ट में करना है तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी आपका 0 क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसमें y का कोई फंक्शन नहीं तो यहां पर दोनों आप देखेंगे 0 हो गया। y क्यूब का आपका y के रिस्पेक्ट में 3y स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर। इसके जस्ट बाद आप k की तरफ चलेंगे तो यहां पर आपका x क्यूब है, हम z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z और x और y दोनों की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इसके बाद यहां पर आप इसको देखेंगे तो x z स्क्वायर और z के रिस्पेक्ट में कर रहे तो z x आपका कांस्टेंट होगा, x आपका बाहर हो गया और आपका इनटू में z स्क्वायर का आप z के रिस्पेक्ट में 2z होगा, अर्थात यहां पर आ जाएगा 2xz। तो आपको यही सब चीजों को समझना है कि आंशिक अवकलन करते कैसे, अगर ये चीज आ चुकी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप सिंपल सा आप यहां पर देखेंगे ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यहां पर आपका हो जाएगा i माइनस 3y स्क्वायर j प्लस 2xz k, ये आपको वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। लेकिन आपसे क्वेश्चन बोला था कि आपको बिंदु 1, 1, 1, -1, 2 पर इस पॉइंट पर आपको ग्रेड f की वैल्यू ज्ञात करना है। तो सिंपल सा आप क्या करिए, जहां पर x है वहां पर 1, जहां y है वहां पर -1, जहां z है वहां पर 2, वहां पर वैल्यू को पुट अप कर दीजिए। ये जो आपको बिंदु है ये x है, ये y है और आपका 2 की z है, इन सभी की वैल्यू दी गई है। तो ये आपको जो क्वेश्चन दिया है इसमें आपको x की जगह पर आप पुट अप करिए और फिर y की जगह पर आप कितना पुट अप करेंगे, -1 और z की जगह पर आप 2 पुट अप करेंगे। देखिए इसको हमने यहां पर पुट किया तो ये आपका हो गया 3 × 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, i हो गया -3 y स्क्वायर, y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 का होल स्क्वायर j प्लस यहां पर आगे आपका यहां पर कितना है दोस्त, आगे आपको वैल्यू दी गई है 2xz, तो 2 हो गया। x और z की वैल्यू आपको दिया गया है, x की 1, x की कितनी है 1 है और z की वैल्यू 2 है, तो आपका 1 × 2 हो गया। इस प्रकार से यहां पर दर्शाया भी गया, आप देख सकते हैं x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 2, इन सभी को पुट अप करने पर जो ये आपको वैल्यू होगा 7i -3z +4 के, ये कंप्लीट आपका आंसर होगा। तो कुछ नहीं, आप दिमाग में कट्स स्टेप आप याद रखिए। स्टेप क्या याद रखेंगे, सबसे पहला स्टेप ग्रेडियंट ज्ञात करने का, सबसे पहला स्टेप आपको पता है ये डेल आपको फाई है, डेल फाई है अर्थात डेल की जो वैल्यू है वो फिक्स है, d/dx i d/dy j d/dz k, ये वैल्यू इसकी फिक्स है। इसकी वैल्यू के बाद जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसका मल्टीप्लिकेशन करके आंशिक अवकलन करेंगे। आंशिक अवकलन के बाद अगर वो पॉइंट पूछता है कि इस बिंदु पर ज्ञात कीजिए तो x y z की वैल्यू पुट अप कर दीजिए, आपका कंप्लीट आंसर इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हैं 2007-2012 में क्वेश्चन आया और मैं आपको बिलीव दिला, मतलब विश्वास आपको दिलाता हूं कि इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम आप अपने बुक में जाइए, एक प्रश्नावली में देखिए, आपको बहुत क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। अभी तो ये एग्जाम्पल्स के कुछ क्वेश्चन है, आने वाले वीडियो में आपको प्रश्नावली के क्वेश्चन कंप्लीट किए जाएंगे। क्वेश्चन ये है दोस्त अगला, इसको थोड़ा ये है कि इसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव है और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है इस वीडियो, इस क्वेश्चन में आप समझ आएंगे। क्वेश्चन ये है कि बिंदु 2, -1, 2 जेड एक्स के साथ, ये आपको दिया है 4xz³ -3x² y² z² का डायरेक्शनल डेरिवेटिव ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको क्वेश्चन में ये दिया गया, अर्थात ये आपका फिक्स हो गया, ये आपको फाई की वैल्यू, आप इसे मान लीजिए कि ये आपको फाई की वैल्यू दी गई है। किसकी वैल्यू दी है, फाई की वैल्यू। अब यहां पर जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है, अगर यहां पर जेड एक्सिस ये दिया है तो इसका मतलब ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछेगा ही, ठीक है। तो यहां पर z एक्सिस का मतलब समझिए, z एक्सिस का इकाई सदिश आप निकालेंगे तो यहां पर i और j तो आपका 0 होगा, जो k होगा वो आपका z एक्सिस को दर्शाता है, ये x का हुआ, ये y का हुआ और ये z का हुआ, तो z का जो होगा वो आपका j एक्सिस को, k एक्सिस को दर्शाता है। तो इसलिए आपका यहां पर क्या है कि z एक्सिस के साथ है तो इसलिए इसकी वैल्यू जो होगी k होगी, ठीक है। अगर यहां पर x कहता x एक्सिस के साथ तो यहां पर इसकी वैल्यू i आती, अगर आपका यहां पर कहते y एक्सिस है तो इसकी वैल्यू आपकी j आती, लेकिन यहां पर z एक्सिस का है इसलिए इसकी लास्ट वाली आपकी k एक्सिस हुआ, ठीक है। तो चलिए यहां पर इकाई सदिश इसका को प्राप्त है के। अब सिंपल से यहां पर ग्रेडिएंट f की पहले आप फाई की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो ग्रेडिएंट फाई की कैसे, तो ग्रेड फाई जो इसकी वैल्यू है उसको तो आपको फिक्स है,
किसकी वैल्यू फिक्स है, यहाँ पर आई डी वाई डी एक्स डी वाई डी वाई डी वाई डी जेड की फिक्स है इंटू वे फाइव, हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई आप ऑलरेडी ऐसे लिख सकते हैं फाइव फाइव साथ में पहले से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर फाइव की वैल्यू आपको पता है, फाइव की वैल्यू आपको ये जो आपने ये वैल्यू दिया गया ये फाइव की वैल्यू है, हमने इसको बताया फाइव की ये वैल्यू है, तो फाइव की वैल्यू यहाँ पर आप पुटअप कर देंगे, सभी में पुटअप करना है आपको, ठीक है, सभी में पुटअप करना है चूंकि हमने फाइव में सभी से मल्टीप्लाई करना होता है, तो सब में यहाँ पर आप पुटअप कर देंगे। उसके बाद आपको क्या पता है ग्रेड फाइव ऐसे ही करते हैं, सब फाइव की वैल्यू को पुटअप करते हैं, उसके बाद इसका आंशिक अवकलन करते हैं। जब आंशिक अवकलन आप करेंगे तो आप एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, आप यहां पर देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में आप करेंगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में इसमें तो एक्स है और यहां पर भी एक्स है, तो मतलब ये दोनों हो गए, तो इसका आप करेंगे तो फोर हो जाएगा और एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो एक्स की वैल्यू वन हो जाएगी और जेड क्यूब आपका बचेगा, तो फोर जेड क्यूब आपका आ गया। इसका आप करते हैं तो थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के कर रहे हैं तो थ्री वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गया, एक्स स्क्वायर का आपका टू एक्स हो जाएगा, इस प्रकार से इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस सिक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ओके, इसी प्रकार से इसका आप करेंगे, इसका जब करते हैं तो यहां पर फोर एक्स क्यूब है, वाई के रिस्पेक्ट में आप करेंगे तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में फोर एक्स है, इसमें तो वाई का फंक्शन ही है इसलिए आपका ये जीरो हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना, ये आपका जीरो हो जाएगा। अब इसमें आगे यहां इसको देखते हैं तो इसमें क्या होगा दोस्त, ये आपका थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर आपका थ्री एक्स स्क्वायर वाई और जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा, अर्थात आप लिखेंगे माइनस थ्री एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा इंटू टू वाई, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। ओके, इसी प्रकार से आप के का देखेंगे तो के का आपको जेड के रेस्पेक्ट में करना है, तो जेड के रेस्पेक्ट में करने के लिए इसका इसमें भी जेड है और इसमें भी जेड है, अर्थात दोनों का होगा फोर जेड क्यूब है, तो आपका फोर एक्स तो बाहर हो जाएगा, जेड क्यूब का हो जाएगा दोस्त आपका थ्री एक्स थ्री जेड स्क्वायर, तो इस प्रकार से आपका ट्वेल्व एक्स जेड स्क्वायर इसका आएगा, चार तीन बारह आपका हो जाएगा तो ट्वेल्व एक्स जेड स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये आप देखेंगे इसका भी आपको किसके रेस्पेक्ट जेड के रेस्पेक्ट में करना है, तो थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है आपका कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपका कांस्टेंट, जेड स्क्वायर का आपका हो जाएगा टू जेड, तो इस प्रकार से आपके दो तिहाई छः तो सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड आपका यहां पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, यहां पर आपने जो वैल्यू निकाला ये ग्रेड फाइव ग्रेडियंट फाइव की वैल्यू आपने यहां पर निकाल लिया है। और क्वेश्चन आपसे बोला है कि बिंदु 2, 2, -1, 2 पर आपको ये वैल्यू ज्ञात करना है, तो सिंपल सा जहां पर आपने जो वैल्यू आपने ग्रेडियंट फाई की वैल्यू निकाली है वो एक्स की जगह पर आप 2 और वाई की जगह पर आप -1 और जेड की जगह पर आप 2, इस पर आपको पुटअप करके अब आपको सॉल्व करना होगा। ये जो वैल्यू आपने यहाँ पर दोस्त निकाला है इसकी जगह पर आप यहाँ पर सभी की जगह पर पुटअप करेंगे, जैसा कि आपको दिया है एक्स का जगह पर आपको 2, वाई की जगह पर आपको कितना -1 और जेड की जगह पर कितना पुटअप करना है, जेड की जगह पर आपको यहाँ पर 2 पुटअप करना है। तो यहाँ पर सभी में पुटअप करने पर आगे यहाँ पर प्रोसेस आगे देखते हैं, जब आप पुट करेंगे तो आपको ये चीज़ें सारी दिखेंगी, देखिए स्क्रीन पर एक्स की जगह पर हम 2 पुटअप करते हैं, ठीक है, इसको पुट करिए जो आपको क्वेश्चन दिया, देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप रफ पेन लेकर हमारे साथ बैठिए जिससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, वीडियो देखिए उन चीजों को जैसे जनरल साइंस है या फिर जीके जीएस की चीजें हैं वो आप देखने से याद कर सकते हैं, लेकिन जो मैथमेटिक्स होता है वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, तो कोशिश करें आप रफ लेकर बैठे, आप भी क्वेश्चन को लगाते चले जिससे सारी चीजें सेटअप होती जाए, ठीक है, इसलिए कहता है मैथमेटिक्स जितना आप प्रैक्टिस करें उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होगा, ये आपके लिए मूल मंत्र है। चलिए यहां पर आपका एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू -1, जेड की वैल्यू 2 है, इसको आप पुटअप करेंगे तो इस प्रकार से जहां जहां आपकी वैल्यू थी उसको रख देंगे तो आपको जो ये प्राप्त होगा जो यहां पर ये आएगा ये आपके ग्रेडियंट फाइ की होगी। आंसर तो आपका आ चुका है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा दिया है कि आप बताइए डायरेक्शनल डेरिवेटिव पर, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये बिंदु पर जेड दिशा में क्या होगा इसकी वैल्यू आपसे पूछ लिया है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जब पूछेगा तो इसका एक फार्मूला है सिंपल सा, आप देख सकते हैं डेल फाई डॉट आर कैप इक्वल टू डेल फाई डॉट वेक्टर के, इस प्रकार से आपको यहां पर दिया है। हम यहां पर वेक्टर के क्यों कर रहे हैं इस चीज को समझिए, यहां पर आपको दिया है डेल फाई आर कैप इक्वल टू डेल फाई आपको दिया है के वेक्टर के, हम यहां पर वेक्टर के उस मद्देनजर करते हैं जब आपको जेड एक्सिस कहा है तो इसलिए हमने के किया, अगर एक्स एक्सिस कहता तो मैं आई लिखता, वाई एक्सिस कहता तो मैं यहां पर जे लिखता। ओके, तो यहां पर आपको ये कहा है जेड दिशा में इसलिए आपने डॉट में के को लिखा है, तो फार्मूला आपको याद रखना है, अगर आप ये पूछा जाता है ये अब
ट्रेडिंग में यही क्वेश्चन है। आपसे जब क्वेश्चन इस टॉपिक पर पूछे जाएंगे तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव पर यही पूछे जाते हैं कि डेल फाई का मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव याद कीजिए, तो आपको डेल फाई डॉट आर कैप इक्वल टू डेल फाई, देखिए डेल फाई दोनों में दोनों साइड में क्या है, दोनों साइड में डेल फाई आपके कॉमन है, इतना आप याद रखिए, डेल फाई दोनों साइड में आर कैप है और इधर आर कैप है, इधर वेक्टर के है, तो वेक्टर के क्यों है, चूंकि आपका जेड एक्सिस है, आर कैप आपका फिक्स रहेगा, जो चेंज होगा ये फिक्स होगा, चेंज जो होगा आपका वेक्टर के चेंज होगा, तो वेक्टर के आपको जेड एक्सिस दिया इसलिए आपने वेक्टर के लिखा, अगर एक्स एक्सिस देता तो आप आई लिखते, वाई देता तो आप जेड लिखते, के मतलब कि सिंपल सा आप समझिए, एक्स है तो आप आई लिखेंगे, वाई है तो आप जे लिखेंगे, और जेड एक्सिस दिया इसलिए आपने के लिखा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू आपने ग्रेडियंट फाई की वैल्यू है इसने आपको यहाँ पर आपने निकाला है माइनस 16i + 96j + 48k, ये वैल्यू आपने निकाला है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर इस साइड में पुटअप करते हैं और डॉट के की वैल्यू निकालते हैं। जब यहाँ पर इस साइड की वैल्यू यहाँ पर के की वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका जो ये वो आपका अदिश गुणन है, और अदिश गुणन में आपको पता है यहां पर आप देख पाएंगे आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट के, यहाँ पर आप समझिए, अगर आप आई को सेम को एक मिनट समझिए, अगर आप आई डॉट आई करते हैं तो इसकी वैल्यू जीरो होती है, इसकी वैल्यू जीरो क्यों होती है, सिंपल सा वे समझिए, अगर आप आई डॉट आई करते हैं तो अगर आप ए डॉट बी, अगर आपने पढ़ा होगा वेक्टर ए डॉट बी, ये होता है आपका ए बी कॉस थीटा, क्या होता है ए बी कॉस थीटा, आई और आई के बीच क्या एंगल होगा जीरो, तो कॉस जीरो आपका हो जाएगा, कॉस आपका ए डॉट बी आपका क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आई डॉट आई करेंगे तो आई डॉट I इक्वल टू आपका यहां पर क्या है जीरो, तो A डॉट B अर्थात यहां पर AB नहीं करना, हमें यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको I डॉट I करना है, तो सिंपल सा I डॉट I आपका और cos इसके बीच जो आपका एंगल होगा वो आपका जीरो होगा, और cos जीरो का यहां पर वैल्यू जो होगा वन होगा। यहां पर दोस्त ये मिस्टेक लिखा हुआ है, इसके ऊपर ध्यान नहीं दीजिएगा, ये K डॉट K की वैल्यू यहां पर आपकी के डॉट के की वैल्यू आपकी वन होती है, और आई जे जे के जो ये लिखा हुआ है इसकी वैल्यू जीरो होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी वन होता है। हमारे सिंपल सा भी हमने ये कहा कि अगर आप के डॉट के लिखते हैं तो इसका आप वेक्टर के डॉट के निकालते हैं तो के, ठीक है, के की वैल्यू, तो कॉस इसमें फार्मूला बनता है, और कॉस दोनों के बीच जो एंगल होगा के के बीच जीरो होगा, और कॉस जीरो का मान वन होता है इसलिए आपका के डॉट के वन आता है। अगर यहीं पर आपका के वेक्टर आपका क्रॉस वाला होता अर्थात सदिश होता तो वहां पर आप क्या करते के क्रॉस में आपका साइन थीटा आता है, तो साइन थीटा में दोनों के बीच क्या होगा एंगल आपका साइन जीरो होगा, और साइन जीरो का मान होता है जीरो, इसलिए के क्रॉस के आपका जीरो आता, लेकिन यहाँ पर आपका डॉट है तो डॉट की वैल्यू यहाँ पर ये वन होगा, ये गलत लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे, और यह ध्यान दीजिए आई डॉट के जो होता है वो आपका जीरो होता है, क्यों जीरो होता है आप सिंपल सा ये समझिए कि दोनों के बीच अब एंगल कितना होगा, आई और के बीच एंगल 90 डिग्री होता है, और कॉस 90 का मान जीरो होता है, कॉस 90 का मान जीरो, इसलिए इसका आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, इसका आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, के का आई जे के से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो होगा, लेकिन के का के से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू वन होगी। इस प्रकार से आपका जो आंसर आया 48 आया। तो आपको याद रखना है कि डायरेक्शन डेरिवेटिव का आपको जिस पॉइंट पर ज्ञात करना है उसका ये फार्मूला आपका है डेल फाई, आपका याद रखना है डेल फाई आर कैप, डेल फाई आर कैप डेल फाई के, आपको इतना याद रखना है कि डेल फाई जो आप यहां पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब है जो वैल्यू आप यहां पर से निकालेंगे, इतना दिमाग में सेटअप करिए, ट्रिक समझिए, इस जो आप वैल्यू यहां पर से निकालेंगे उसमें के का मल्टीप्लाई करना है, के का मतलब कि अगर जेड एक्सिस किया है तब के से करेंगे, इस जो आपने वैल्यू आपने निकाला ग्रेडियंट जो आपने निकाला उसमें से के करेंगे, अगर ये एक्स एक्सिस कहता है तो इसमें आई से आप मल्टीप्लाई करते हैं, वाई कहता है तो इसमें जे से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका मतलब कि ये कह सकते हैं कि आप के से मल्टीप्लाई के से करेंगे तो के की ही वैल्यू आपको बचेगी, वही आपका आंसर हो जाएगा, और अदर आपका वो जीरो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में और सारी चीजें आपको इंक्लूड की जाएंगी। अगर ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करेगा, अगर वीडियो आपने यहां तक देखा तो कमेंट बॉक्स में आप जय हिंद जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।